यार अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं नेक्स्ट वीडियो कब आएगी कब आएगी। मैंने बोला यहीं पे एक साथ सबको जवाब दे दूँ। मैसेज वगैरह भी आ रहे थे कल, जो मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी सब वगैरह पे, तो मैं किसी को रिप्लाई नहीं कर पाया। मैं पता है सब मेरी वीडियोस देखते हैं और ऐसे बन के दिखाते हैं कि उनको नहीं पता मेरा कोई चैनल वगैरह भी है, लेकिन सब देखेंगे। तो मैं एक साल से मेरे पाँव में मसला था। मैं नहीं बताऊँगा क्या मसला था क्या हुआ था। तो मेरी तीन सर्जरीज हुई थी, सही है। उन तीन सर्जरीज के बाद एक हफ्ते तक मेरा पाँव सही रहा, और फिर उसके बाद और ख़राब होने लगा। फिर उसके बाद बड़ा डॉक्टर आया और मेरी अब बड़ी सर्जरी हुई है पाँव की, एक पाँव की हुई है। मेरे दोनों पाँव ख़राब थे, चलने में प्रॉब्लम हो रहा था और बहुत सारे मसले हो रहे थे, खून वगैरह आना शुरू हो जाता था। तो अब बहुत बड़ी सर्जरी हुई है, कटा है सब कुछ। अब मुझे 2 हफ्तों का बेड रेस्ट बोला है, और फिर उसके बाद दूसरा पाँव होगा। अभी भी पहला पाँव ये रहा, अभी भी ब्लीडिंग हो रही है। तो जो वीडियोस का पूछ रहे हैं यार, देखो मेरी, मैं क्या कर सकता हूँ उसमें। मेरी किस्मत में बोलता हूँ ना, बहुत बुरी किस्मत है। जब से मतलब जब सब लोग मेरी वीडियो का वेट कर रहे थे ना, पूछ रहे वीडियो आएगी ना वीडियो आएगी ना, अब मैं तुम लोगों को क्या जवाब दूँ मुझे खुद नहीं पता। मेरी किस्मत बहुत बुरी है यार। देखो ऐसा हुआ कि अब मैं चल नहीं सकता। अभी ये 2 हफ्ते लगेंगे सही होने का, उसके बाद भी नहीं पता ये सही होगा यानी। फिर उसके बाद दूसरा पाँव का भी मेरी सर्जरी होगी, बड़ी सर्जरी, सही है। फिर उसके बाद मैं पता नहीं कब तक चल पाऊँगा। तो मैं अभी तुम लोगों को क्या बोलूँ। और बाकी जो सर्जरी वाली वीडियो है वो तो मैं उस पर डालूँगा अपने सेकेंड चैनल पर, तो उस पर तुम लोग देख लेना है कि। तो बाकी एक और बात, तुम लोग बोलते हो कि मंडी जाओ रेट्स वगैरह बताओ। देखो मैं कोई मंडी वाला यूट्यूबर नहीं हूँ। जो मंडी वाले हैं वो बहुत सारे यूट्यूब पे हैं जो डेली अपडेट वगैरह दे रहे होते हैं। तो मैं हर तरह के कंटेंट बनाता हूँ, मैं ना ही तो ब्लॉगर हूँ, मैं हर चीज़ पे वीडियोस बनाता हूँ, सही है। बाकी अभी मैं कुछ नहीं बोल सकता मेरी वीडियो आएगी या नहीं आएगी। बाकी और सॉरी यार उन सबको जो जो मैसेज कर रहे हैं जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा अभी किसी से ना बात करने का दिल ही नहीं चाह रहा। मैं मोबाइल को बिल्कुल साइड में फेंका हुआ है, एक हफ्ते से भी ज़्यादा हुआ है, मैं किसी से बात वगैरह नहीं कर रहा, ना तो कोई स्टोरीज वगैरह ज़्यादा लगा रहा हूँ। तो प्लीज़ यार समझने की कोशिश करो और बस दुआ करो जल्दी ठीक हो जाऊँ।